देखिए दोस्तों, हमारी PX100 के अंदर 180 बार का प्रेशर भरा हुआ है और ये सामने हमारा क्यू शॉट टारगेट के पेपर लगा हुआ है। तो इस पे अभी हम आपको एक ट्रिक शॉट दिखाएंगे PX100 से, हम डबल शॉट चला के। ये देखिए, अभी हमने थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस की थी, इसको हमने ज़ीरो किया है, थोड़ा आउट थे तो। और यहाँ ऑलरेडी एक हमारा सेट है, हम इसी पर एम करेंगे, हम इस पर एम करेंगे और हम डबल पैलेट चला के देखेंगे PX100 से कि क्या ग्रुपिंग बनती है। तो चलाएंगे हम 90 फीट के डिस्टेंस से, मैं वहीं जा रहा हूँ, आप यहाँ से दिखाइएगा इसको। और अभी इसको थोड़ा सा देखिए दोस्तों, हम यहाँ 90 फीट से उसको करेंगे डबल पैलेट का। 1 2 टारगेट दिखाओ। कहाँ लगे बे? मारू। नहीं, चल देखते। रुक जाना, हाँ पास में जाके दिखा कितने लगे। अबे पास में जाके दिखाई, में कितनी एडिटिंग करवाया क्या पता। देखिए दोस्तों, ये हमारे डबल डबल शॉट हमने चलाए थे, तो पहला वाला तो आउट चले गया था भाई के, इन्होंने देखा था क्लियर। बाकी देखिए, 1 2 3 4 5 6 ये डबल पैलेट का 180 बार के प्रेशर पे ये रिजल्ट है। रोके दोस्तों, पहले 180 पे हमने 10 शॉट चला चुके थे और 10 शॉट के बाद में ये 170 पे आ गया है। अब 170 से हम इसका ग्रुपिंग चेक करेंगे डबल पैलेट की। अभी हम यहाँ एम कर रहे थे तो दो पैलेट यहाँ नीचे मार रही थी, अब हम इसे एम करेंगे और देखेंगे डबल पैलेट से इसका क्या होता है। और डिस्टेंस हमारा सेम 90 फीट रहेगा दोस्तों। देखिए, हम 90 फीट से डबल पैलेट चलाएंगे। वो वाला टारगेट दिखा दो, ऊपर वाला जो अपन लेंगे नया। देखिए दोस्तों, ये ग्रुपिंग आई है डबल डबल पैलेट की। मुझे दूर से ज्यादा समझ में नहीं आया है कि कहाँ कहाँ गए हैं, आपको वीडियो में ज्यादा अच्छे से दिखा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 8 पैलेट तो यहाँ दिख रहे हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 का तो यहाँ है, 2 ये आउट चले गए थे। तो ऐसे डबल पैलेट में भी PX100 ये कमाल कर रही है। और ये भी हो सकता है अभी किसी वजह से पावर 170 है, 200 पे शायद इसका रिजल्ट अलग हो और 180 पे ये था। कुछ आउट भी जा रहे हैं, कुछ एक्यूरेट भी जा रहे हैं। वो किस वजह से, थोड़ी और प्रैक्टिस करके समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है।